सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे टेलाई क्लासेस चैनल पर बच्चों की स्पीच एंड डिबेट की वीडियोस डलती रहती हैं। ऐसे एक कमेंट आया, उसमें लिखा था कि सर, जैसे आपके बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, हम भी बोलना चाहते हैं, हम भी जगह जगह ट्यूशन जाकर देख चुके, बट हमारी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होती। तो सर, जैसे आपके बच्चे फ्रेजेस एंड एडियम्स बोलते हैं, सर ऐसी वीडियोस बनाइए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिससे हम भी आपकी वीडियोस से एडियम्स एंड फ्रेजेस सीख सकें। तो इसीलिए मैंने आपके लिए आज वीडियो बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। जब दो व्यक्तियों की लड़ाई होती है, उसके बीच में तीसरा आ जाए और उनको भड़काए, तो हम बोलते हैं, आप आग में घी क्यों डाल रहे हैं? Why are you adding fuel to fire? Fish out of the water, कष्टप्रद अवस्था। जब हम न्यू जॉब पर लगते हैं और वहां पर हमारा मन नहीं लगता, तो हम कहते हैं, मैं अभी अनकंफर्टेबल जोन में हूँ, मैं अभी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हूँ। या हम जब बच्चे को घर से बाहर ले जाकर कहीं नई जगह छोड़ देते हैं, तो बच्चा रोने लगता है, मम्मी मम्मी मम्मी, तो वो उसके लिए कष्टप्रद अवस्था होती है। जैसे हम फिश को पानी में से बाहर निकाल देंगे, तो उसको अनकंफर्टेबल फील होगा कि मैं कहाँ आ गई। ऐसे ही सिचुएशन को हम बोलते हैं फिश आउट ऑफ द वाटर। एन ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार। जैसे कि हमें पता है, आज के समय में हर किसी की 1, 2, 3 गर्लफ्रेंड होती हैं। तो जब हम एक गर्लफ्रेंड को छोड़ देते हैं और दूसरी हमारे साथ होती है, और सडनली हम अपनी पिछली गर्लफ्रेंड को देख लें, तो हम कहते हैं कि वह मेरा पुराना प्यार है, वह मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है, वह मेरा पुराना प्यार है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, दो गंभीर समस्याओं के बीच में फंसना। जैसे मैं स्कूल गया और स्कूल से मैं बाहर भाग गया, मैंने स्टडी नहीं की, मैं बंक करने बाहर चला गया, मेरे टीचर को पता लग गया और मेरे टीचर ने मेरे घर पर फोन कर दिया। अब अगर मैं स्कूल में जाऊंगा तो मेरे टीचर मारेंगे, और मैं अगर घर जाऊंगा तो मेरे फादर मारेंगे। अब मैं दो गंभीर समस्याओं के बीच में हूँ, मैं घर जाऊंगा तो पिटूंगा और मैं स्कूल जाऊंगा तो पिटूंगा। सो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो हम आपके लिए रोज ऐसी ही वीडियो बनाएंगे।